हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का ट्यूटोरियल है कि बहुत ही कम प्रोडक्ट में अपना गॉर्जियस लुक कैसे पाएं, वो भी तीज स्पेशल में। तो ये देखिए, मेरे पास है बीबी क्रीम, फाउंडेशन, लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्कारा। आईलाइनर है यहाँ पे, आईलाइनर, मस्कारा। सबसे पहले क्या करेंगे, कई बार होता है कि थ्रेडिंग करने का समय नहीं मिलता है, तो देखिए मेरे यहाँ पे मैं थ्रेडिंग नहीं की हूँ, तो आईब्रो है उसको हम सेटिंग करेंगे इस तरह से लाइटली। ये नहीं कि आप पूरा उड़ा दें। सबसे पहले हम यूज करेंगे मॉइस्चराइजर क्रीम। कोई भी क्रीम मॉइस्चराइजर हो सकता है, चाहे आप बोरोलिन या फेयर लवली क्यों ना यूज करें, बोरोलिन या बोरो प्लस। मैंने लगाया बोरोलिन। गीले कपड़ा से चेहरे को इस तरह से साफ कर लीजिए। अब बारी आती है फाउंडेशन लगाएं या बीबी क्रीम। तो मैं सबसे पहले रेकमेंड करूंगी फाउंडेशन का। मैंने बहुत थोड़ा ही फाउंडेशन यूज किया है। अब बारी आती है बीबी क्रीम की।
क्रीम लगाने के बाद थोड़ा सा गीला कपड़ा से इस तरह से आप अपने चेहरे पे थपथपा लें, ब्लेंड कर लें। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैंने कोई गीला कपड़ा लिया है कॉटन का, मैं उसी से कर रही हूँ। अगर आपके पास बीबी क्रीम नहीं है तो आप फेयर एंड लवली का भी यूज कर सकती हैं। मैं यूज कर रही हूँ थोड़ा सा पाउडर, पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं। आपके आंखों के सामने अगर काले घेरे हैं तो आप फाउंडेशन ज्यादा यूज कीजिए। अगर आपके पास बीबी क्रीम है तो बीबी क्रीम भी आप यूज कर सकती हैं। मैंने पहले यूज किया था कॉम्पैक्ट पाउडर। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि नवरत्न कूल या फिर आपका नाइसिल कोई भी पाउडर हो तो वो भी चलेगा। तो मैंने आपको बताने के लिए मैं ये डर्मिकूल का पाउडर यूज की हूँ। ये डर्मिकूल है या कुछ और देखो तो नवरत्न ठंडा ठंडा कूल मैं ये पाउडर यूज की हूँ, जो एक्स्ट्रा है वो आप गीले कपड़े से साफ कर लीजिए। अब मैं थोड़ा सा काजल लगाऊंगी, हल्का सा, ज्यादा डीप काजल मुझे पसंद नहीं है। शैडो
मुझे ना एक ही कलर का आई शेडो पसंद है, रंग बिरंगा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप और भी कलर इसमें ऐड कर सकती हैं, बट मैंने लाइटली पिंक कलर का ही किया है जो मेरी साड़ी के मैचिंग है। मैं यूज कर रही हूँ बिंदी। आप कमेंट करके बताइए मेरी बिंदी की डिजाइन कैसी है, ये मेरे हस्बैंड ने पसंद की है। लिपस्टिक लगाने से पहले मेरे दोस्तों, आप कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम बोरोलिन बोरो प्लस यूज कर लीजिएगा, इससे लिपस्टिक बहुत ही स्मूथ लगती है। मैंने ब्लू हेवन का मैट कलर यूज कर रही हूँ, ये देखिए। अगर एक्स्ट्रा लिपस्टिक लग जाती है उसको आप गीले कपड़े से साफ कर लीजिए। मैं आपको ये वाला सेट ऑफ दिखाऊंगी, मैं कम भी करूंगी। मैं ये चूड़ा पहन रही हूँ, मेरी फेवरेट है।
तीज स्पेशल है तो हेवी जो इयर रिंग्स है वही बनता है, छोटे इयर रिंग्स अच्छा नहीं लगता है। मैं तो कहती हूँ जो नई नवेली दुल्हन है वो इस तरह के लुक में बहुत अच्छी लगेगी। आप इस तरह से हेयर स्टाइल कर सकती हैं, मांग भर सिंदूर और हैवी इयर रिंग्स चूड़ा डाल सकती हैं, अच्छी लगेंगी आप। और मैंने बहुत ही कम मेकअप के प्रोडक्ट्स में मैंने मेकअप की है, बस बारी अब आती है दुपट्टा की जो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। कभी जो नई नवेली दुल्हन होगी और तीज में दुपट्टा यूज होता ही होता है। मेरा मेकअप रेडी है और मैं कैसी लग रही हूँ आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको कुछ भी क्वेश्चन पुट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए प्लीज़। तो मैं आपके हर एक क्वेश्चन का मैं कोशिश करूँगी जवाब देने के लिए वीडियो बनाकर। आप चाहे तो यहाँ पे एक पिनअप कर सकती हैं। जो भी क्वेश्चन है आपके मन में आप वो मुझे बोल सकती हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो बनाकर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। बस मैंने एक ही चीज नहीं डाली है वो भी रिंग, रिंग मेरे रूम में रखा हुआ है तो अभी लाने में प्रॉब्लम है, बेबी सो रही है, मेरी 6 मंथ की बेबी है। तो आप बताइए मेरा ये लुक कैसा है। मैंने ये तीज स्पेशल साड़ी वेयर की है। रखते हैं फ्रेंड, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।